दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ही होने वाला है, इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी का ही होने वाला है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। आए दिन कोई ना कोई नई स्टार्टअप कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी क्रम में एक नई कंपनी अभी सामने आ रही है जिसका नाम है बाउंस मोटर, और इन्होंने भी अपना एक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। बाउंस इन्फिनिटी नाम से इन्होंने, इन्फिनिटी ईवन के नाम से इन्होंने अपना स्कूटर लॉन्च किया है। हालांकि ये जो कंपनी है, इन्होंने 22 मोटर्स एक कंपनी थी जिसका फ्लो के नाम से स्कूटर आता था, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है और अपना टैगलाइन देकर के यानी कि ब्रांड नेम देकर के इन्फिनिटी ईवन के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। अब इस स्कूटर में खास क्या है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम फीचर्स की सबसे पहले बात करें तो इसमें आपको कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, 12 इंच के इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे और पीछे दोनों तरफ। और अगर टेक्निकल डिटेल की बात करें, इसमें मोटर कौन सा है, तो इसमें आपको 2.2 किलोवाट का BLDC मोटर मिल जाता है जो कि बोस कंपनी की तरफ से आता है। और इसका जो स्पीड है 8 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर आर की ये स्पीड पकड़ लेता, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत सस्ता है ये स्कूटर। और क्या कुछ खास है मैं भी आगे डिस्कस करूंगा, स्कूटर ये सस्ता क्यों है, क्या इसमें खास बातें हैं, उसके पहले थोड़ी हम टेक्निकलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मोटर की बात करें तो मोटर के बारे में मैंने आपको बताया कि 2.2 किलोवाट का BLDC मोटर है। बैटरी की बात कर लेते हैं अब, तो बैटरी इसमें आपको 2 किलोवाट आर की बैटरी पैक मिलती है। हालांकि बैटरी पैक तो ठीक है लेकिन जो इसका जो वेट है बैटरी का वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि 13 किलोग्राम इसका वेट है जो कि थोड़ा हैवी है, इसको जब कैरी करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। और कंप्लीट ये स्कूटर 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। 85 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है और 85 किलोमीटर ही इसकी रेंज है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद आपको 85 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। और 65 किलोमीटर पर आवर का इसका टॉप स्पीड है। टोटल 5 कलर में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और 499 रुपीज़ देकर के स्कूटर को आप बुक कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये स्कूटर खास क्यों है, इसमें क्या कुछ खास है। खास इसलिए है ये स्कूटर क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है बहुत कम है और यूनिकनेस इसमें ये है कि इस स्कूटर को आप अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। अब स्वैपेबल का ऑप्शन तो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, इसमें क्या खास है, तो खास ये है कि ये स्कूटर आप बिना बैटरी के अगर लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, बैटरी के साथ लेना चाहते हैं फिर भी ले सकते हैं। तो अब बैटरी के साथ लेना चाहिए कि बैटरी के बिना लेना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो अगर आप, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, एक स्टेट का दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस स्कूटर को आप बैटरी के साथ लेना चाहते हैं तो 69,000 दे करके इस स्कूटर को आप कंप्लीट स्कूटर ले सकते हैं। और अगर विदाउट बैटरी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कंपनी ने दो ऑप्शन ऑफर किए हैं। पहला जो ऑफर है वो 45,000 का है जिसमें आपको 45,000 दे करके स्कूटर ले सकते हैं। और हालांकि इस स्कूटर को 45,000 में लेकर के आप चलाएंगे कैसे, तो आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा ₹850 पर महीने का। तो ये प्लान तो आप 850 में ले सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको ₹35 पर स्वैप का भी चार्ज देना होगा। तो पहला प्लान तो ये है कि ₹45,000 दीजिए और ₹850 महीना दे करके आप इस स्कूटर को ले जाइए और ₹35 आप जब भी इसको चार्ज करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, स्वैप करते हैं तब देना पड़ेगा। दूसरा इनका ऑफर है ₹57,000 का, यानी कि ₹57,000 का, जिसमें आपको ₹1,250 पर महीने देना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए और सेम ₹35 पर स्वैप इसको आप दे सकते हैं। तो आदमी स्वैप कब करेगा, एक बार स्कूटर चार्ज करेगा तो जाहिर सी बात है 2 से 3 दिन वो चलाएगा, 3 दिन के बाद आपको ₹35 देना पड़ेगा और एक महीने के बाद आपको 1250 या 850 जो भी आप प्लान लेते हैं वो देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि लेना कौन सा प्लान चाहिए या बैटरी के साथ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरा तो यही है कि आपको बैटरी के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि बैटरी के साथ अगर आप नहीं जाते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो काफ़ी महंगा स्कूटर आपको पड़ेगा अगर उसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो 69,000 दे दीजिए अगर आपका बजट अलाउ करता है और आराम से स्कूटर घर ले जा करके कंप्लीट टेंशन फ्री इसको चला सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी इस स्कूटर के और ये अपने पूरे भारत भर में, ये पूरे इंडिया में अपने स्वैपिंग स्टेशन लगाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको चार्ज करने के लिए काफ़ी सहूलियत होगी, अगर आप बिना बैटरी के भी लेते हैं तो स्वैपिंग करने के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये कुछ खास बातें स्कूटर के बारे में थी। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।